नमस्कार दोस्तों, पोको F6 आने वाला है, सबको मालूम है वही 30,000 रुपए के आसपास। Realme GT 60 आने वाला है 30,000 रुपए के आसपास, जो कि ब्रांड ने ऑफिशियली पोस्टर दे दिया है, सबको मालूम है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में एक और बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन आने वाला है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहा। फोन का नाम है आईको नियो 9। क्यों देखिए, नियो 9 प्रो लॉन्च हो चुका है, नियो 9 डेफिनेटली आएगा। और नियो 9 जिस स्मार्टफोन का रिब्रांडेड वर्जन होने वाला है, वो बस कुछ हफ्ते पहले चाइना पे लॉन्च हो चुका है, मतलब कॉन्फर्म इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आईको नियो 9 वाला जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इसका पूरा डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और प्राइस, और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो क्या उस हिसाब से सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा कि नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो गैजेटो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं, इस बार का जो आईको नियो 9 पीछे से दिखने में होगा एग्जैक्टली ऐसा, मतलब इंडिया पे जो आईको 12 लॉन्च हुआ था उसके पीछे आपको जैसा डिजाइन मिला था, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन इसके भी पीछे आपको मिलेगा। फोन आपको 3 कलर पे मिलेगा, व्हाइट, ब्लैक और ग्रीन। इसका थिकनेस है 7.98 मिलीमीटर और वेट 194 ग्राम। और इसके पीछे का जो मटेरियल, मोस्ट प्रोबेबली ग्लॉसी टाइप का ग्लास कवर आपको मिलेगा। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.78 इंच, 1.5K, 144Hz, 10 बिट सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 2000Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 3840Hz का PWM डिमिंग रेट, 4500 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन में आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन, साथ में पांडा ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब ये चीज कह सकते हैं जिस प्राइस पॉइंट में आने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले इसमें होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर, जिसके साथ 6K कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आईको की तरफ से कहना है बिल्कुल नया जनरेशन का कूलिंग सिस्टम है। कैमरे में आपको मिलेगा 50 और 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो रियर कैमरा वो एक्चुअली है सोनी लिटिया 600 सेंसर, जिसके साथ OIS EIS दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जो फोन काजरी के टोटल 3 वेरिएंट पे आएगा, 12 256GB, 16 256GB और 12 512GB। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 4.0, जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, साथ में 80 वाट का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें, तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP64 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर मैं इसके OS अपडेट साइकिल में बात करें, तो 3 साल का मेजर OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन चीज, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए इस महीने दो फोन आने वाले आईको की तरफ से। एक तो आईको Z9X 16 तारीख को लॉन्च हो जाएगा और महीने के आखिर में लॉन्च होगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला आईको Z9 Pro। इसलिए मुझे लग रहा है ये जो आईको नियो 9 अगले महीने लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें, कहा जाए कि ये जो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा कोई 30 से 32,000 के बीच में, क्योंकि अगर 35,000 के आसपास हुआ तो सेम प्राइस पॉइंट में आईको नियो 9 प्रो अवेलेबल है स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 के साथ। तो इसलिए कॉन्फर्म ये जो स्मार्टफोन 30,000 रुपए के आसपास लॉन्च हो जाएगा। तो अभी हार्डवेयर से देखिए, क्या ये जो स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट ऑलराउंड गेमिंग स्मार्टफोन है या फिर इससे बेटर दूसरे को जो अवेलेबल। तो देखिए, अगर हम गेमिंग कैटेगरी में बात कर रहे हैं और उस प्राइस पॉइंट में सबसे ज्यादा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो किसका है, पोको ब्रांड की तरफ से। और पोको की तरफ से कौन सा फोन आने वाला है, पोको F6। प्राइस क्या होगा, वही सेम 30,000 रुपए के आसपास। तो अगर हम पोको F6 के साथ ये जो आईको नियो 9 इसका कंपेयर करते हैं, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में दोनों फोन एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं। प्रोसेसर, इधर भी दोनों एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं। कैमरा, ऑन पेपर कैमरा स्पेक्स के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अगर हम सेंसर की बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बार बार कहा है, अकॉर्डिंग टू लीक्स इंडिया वाला जो पोको F6 उसमें हो सकता है IMX920। तो अगर ये चीज सही है तो कैमरे के मामले में पोको होगा बेटर, और अगर ये चीज गलत है तो कैमरे के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। वेरिएंट दोनों का सेम। बैटरी और चार्जर का कॉम्बिनेशन मुझे आईको का थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि आईको पे आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी। उसके बाद स्पीकर दोनों का सेम, OS अपडेट दोनों का सेम। मतलब एक चीज देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन के मामले में दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम। अभी टोटली आप पर डिपेंड करके आप कौन सा लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दोनों फोन का प्राइस होगा एग्जैक्टली सेम। अभी मार्केट में कुछ लोग आईको ब्रांडेड स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग पोको ब्रांडेड स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं। तो अभी टोटली आप पर डिपेंड करें कि आप कौन से ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आप कौन सा लेना चाहेंगे। तो भी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आप ही दोनों फोन के अंदर कौन सा लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन लिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलता है कि वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।